द टास्क बारबी में आप सभी का स्वागत है। अगर नमाई सबसे पहले स्कूल में पहुंच जाती है। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं, मैं ही आज स्कूल चली आ गई। जब तक कोई नहीं आता तब तक बोर्ड पर ही कुछ लिख देती हूँ। हगंडा बैग रखकर बोर्ड की तरफ चल देती है। कुछ अच्छा सा लिखूंगी बोर्ड पर। क्या लिखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ पीटी वाले सर की फोटो बना देती हूँ। हगंडा जल्दी जल्दी से पीटी वाले सर की फोटो बना देती है और नीचे लिख देती है। कितना अच्छा कार्टून बना दिया मैंने पीटी वाले सर का। अरे अब जल्दी से चलकर सीट पर बैठ जाती हूँ, कोई आ गया तो मेरा ही नाम लगा देगा। हगंडा जल्दी से भागकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी धीरे धीरे क्लास में सभी बच्चे आने लगते हैं। सभी बच्चे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हगंडा आज तो बड़ी जल्दी आ गई। हाँ आज पापा ही मुझे स्कूल छोड़ने आए थे ना, इसलिए जल्दी से आ गई। तभी पायल की नजर बोर्ड पर पड़ती है। अरे वो देखो। सारे बच्चे बोर्ड पर देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसते हैं। ये किसने बना दिया? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो आज जल्दी से आ गई थी फिर भी मेरी नजर नहीं पड़ी। तभी इंग्लिश वाली मैडम आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर एंड आई डोंट नो हिंदी। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश व्हेनेवर यू आस्क समथिंग। यस मैडम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एनिमल लाइफ। प्लीज कीप योर पेन इन योर हैंड एंड नोट डाउन एवरीथिंग। व्हाट इज दिस? Can anyone tell me about this painting? Madam, ये हमारे पीटी पादू सर है। What is पीटी पादू? I can't understand. फिर मैडम बोर्ड पर लिखा हुआ सब चीज मिटा देती हैं। Who farted in my class? Madam, this is पीटी पादू सर doing. Children, sorry. Tomorrow I will teach you. Now I am going. Bye. मैडम अपना रजिस्टर लेकर क्लास के बाहर चली जाती हैं। सभी बच्चे अपना लंच निकालकर लंच करने लगते हैं। यार हगंडा, खाना खाते टाइम तू गैस लीक मत करियो प्लीज। नहीं कर रही यार, टेंशन मत ले। हगंडा भी अपना लंच करने लगती है। मेरी मम्मी ने आज सब्जी कितनी मस्त बना रखी है। मेरी मम्मी ने भी आलू की सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है। मेरी मम्मी ने तो आज आलू का चौखा बना कर दिया है। नीलू, तुम सब गैस लीक करते हो, बस मुझे ही बदनाम कर रखा है, सब पादू हो। सभी लोगों ने अपना अपना लंच कर लिया है और आराम से बैठे हुए हैं। तभी अचानक क्लास में एक आदमी भागा भागा आता है। कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, अगर किसी ने भी शोर किया तो उसकी गर्दन काट दूंगा। हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ छुपने आ गए हैं। ठीक है अंकल, हम शोर नहीं करेंगे। अंकल आप वहाँ सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है ठीक है, तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। अंकल बच्चे अच्छे ही होते हैं। अंकल आप हजमोला खाओगे? हाँ बेटा खिलाओ। हगंडा अपने बैग में से हजमोला निकालती है और जाकर उस आदमी को खिला देती है। ये लो अंकल खा लो। लाओ दो। ऐसा करती हूँ सभी बच्चों को भी दे देती हूँ। हगंडा क्लास में सभी बच्चों को एक एक हजमोला दे देती है। ये लो तुम भी ले लो, ये लो तुम भी ले लो जल्दी से, ये ले तू भी ले ले। सभी बच्चे अपना अपना हजमोला खाने लगते हैं। मस्त यार चटपटा है। हे भगवान, छी इतनी जहरीली गैस, मैं तो मरी जाऊंगा। इससे अच्छा तो मुझे पुलिस वाले ही पकड़ ले। भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। गंडा से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं है। चलो इसी बात पर डांस हो जाए। हगंडा डांस करती है और सारे बच्चे ताली बजाते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।